Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी फॉर वंडरफुल कीर्तन। हरे कृष्णा। सो वी विल स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न स्तुति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवि गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज हम ले रहे दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 44। सो वी विल स्टार्ट विद श्लोक का एंड अनुवाद। हरे कृष्ण। सो आज का जो श्लोक है 44 नंबर श्लोक इस प्रकार है। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भागवतामः नेतं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्यः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। बड़े बड़े तत्वगणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य कलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावती दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुओं देखने के अधिकारी होते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी। सो मैं यहाँ पे यही कोशिश करूँगा, जो कुछ मैंने अपने जो वरिष्ठ भक्तगण से जो सुना है वही यहाँ पे मैं बोलने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हमने पिछले 3 श्लोक में देखा कि किस तरह से जो सृष्टि फिर पोषण के बारे में, फिर उसके संहार के बारे में हमने जो पिछले के 3 श्लोक में हमने देखा, जैसे कि जो सृष्टि का जो निर्माण होता है वो भगवान करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। फिर दूसरा, जो सृष्टि का जो पालन पोषण करते हैं भगवान विष्णु जी, अपने अलग अलग अवतार में आकर भगवान विष्णु जी पालन पोषण करते हैं। और तीसरा है सृष्टि का संहार करना, जो हमने कल के श्लोक में देखा था कि जो रुद्र आत्मा मतलब भगवान रुद्र के रूप में आकर जो जो सृष्टि का संहार करने का भार लेते हैं। तो यहाँ पे और तो आज का जो श्लोक है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। जैसे कि अगर कोई सोचता रहेगा कि भगवान का क्या फंक्शन है, तो भगवान का फंक्शन अगर कोई सोचे कि भगवान सिर्फ सृष्टि बनाना और उसका संहार करना, उसका पालन करना, यही सिर्फ भगवान करते हैं, तो वो जो है वो आज के हम श्लोक में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान जो है सिर्फ इतना ही कार्य नहीं करते। जैसे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा सिर्फ इसमें पड़े नहीं रहते कि भगवान जो क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन करना इसमें सिर्फ रहते नहीं है, इससे भी ऊपर
जो भगवान की जो लीला है, जो भगवान लीला करते हैं, तो उसका आस्वादन भगवान के भक्त और भगवान लेते हैं। जैसे कि नो डाउट, जैसे कि भगवान इस सृष्टि का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें कि जो जो देश का जो गवर्नमेंट जो है वो जेल की रक्षा करते हैं, जेल का जो भी मेंटेन करना वो सब करते हैं। बट ऐसा अगर सोचे कि गवर्नमेंट सिर्फ जेल का ही मेंटेन कर रहा है, जेल का ही रक्षा करते हैं, सिर्फ उसका काम वही है गवर्नमेंट का, तो ये गलत बात है। गवर्नमेंट दूसरे भी बहुत सारे काम भी करते हैं, इस समाज के बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण, जैसे कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान जो करना और भक्तों के साथ भक्तों के ऊपर कृपा करना, भक्तों के साथ लीला करना, तो ये भगवान का प्राइमरी फंक्शन है। एंड द सेकेंडरी फंक्शन, ये जो भी ये दूसरे जो भी यूनिवर्सल जो फंक्शन है कि ये मेंटेन करना, डिस्ट्रक्ट करना, क्रिएशन करना, ये सब सेकेंडरी फंक्शन है। बट द प्राइमरी फंक्शन क्या है भगवान का कि वो भक्तों के साथ जो उनकी जो लीला है और वो आदान प्रदान करते हैं। और इसके सामोग लीला प्रभु जी ये बताते हैं कि स्पेशली भगवान को ये जो क्रिएशन करना या डिस्ट्रक्शन करने के लिए, स्पेशली उसके लिए वो आते नहीं है, उसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग जो असिस्टेंट है उसको उन्होंने रखा हुआ। जैसे कि भगवान ये सब मैनेज करने के लिए भगवान विष्णु जी को रखा है, जो ये सब मैनेज करते हैं। फिर भगवान विष्णु जी से सब कुछ आता है, जो पूरा ये मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बचपन में जब कृष्ण लीला देखते थे, तो वहां पे बीआर चोपड़ा जी जो मेन जो है जो ये सब कार्यक्रम करते हैं, तो वो ऐसा बताते कि ये जो भगवान विष्णु से ही भगवान कृष्ण आए हुए, उनका ही अवतार है भगवान विष्णु का। बट हम शास्त्र में ये देखते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो गोविंदम आदि पुरुषम, जैसे कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते कि जो आदि पुरुष कौन है, वो भगवान कृष्ण है, और उनसे ही सब कुछ अंश निकले हुए निकलते भगवान कृष्ण से। तो जैसे कि इस ग्रह सामग्री एक एग्जाम्पल देते कि एक धनी व्यक्ति है जो फॉरेन में बैठा हुआ है, और उसको ऐसा मन लगा कि इंडिया में वो कुछ पैसे को इन्वेस्ट करे, और इंडिया में वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, एक कंपनी खोल देता है, और वो कंपनी में एक सीईओ को रख देता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में वो सब कुछ कंपनी चलती है। तो जो कुछ उस कंपनी के जो वर्कर्स है या जो भी कोई लोग जो काम करते हैं, उनको तो उनके लिए बॉस कौन है, वो सीईओ है, जो बॉस ने जिनको अपॉइंट किया है। पर जो असली बॉस कौन है उस कंपनी का, जो बाहर बैठे हुए है, और ऑल्दो वो डायरेक्टली उस कंपनी को मैनेज नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली ही नोस एवरीथिंग, इनडायरेक्टली उसको सब कुछ पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का क्या टर्नओवर है, कंपनी में क्या प्रॉफिट आ रही है, ही नोस एवरीथिंग, बट वो इनडायरेक्टली उसको सब कुछ पता है। तो उसी तरह से भगवान जो है जो अपने धाम में हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, पर इनडायरेक्टली ही नोस कि जो भी उन्होंने क्रिएशन किया है और जो भी उन्होंने जिसको भी अपॉइंट किया है, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ ये जो भी सृष्टि कैसे चल रही है, वो सब कुछ भगवान को पता है। तो इनडायरेक्टली ही नोस एवरीथिंग। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। फिर आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी पालन पोषण जो भी संहार करते हैं भगवान, बट जो शुद्ध भक्त है उनका क्या कार्य रहता है, जैसे कि हमने उनका क्या कार्य रहता है कि जैसे हमने अगर हम श्लोक में देखते हैं, श्लोक में जो फोर्थ लाइन है, द्रष्टुम अर्हंति सूर्य मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त है एक मिनट
या तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा वो हमेशा यही भगवान के जो जो भगवान के जो आध्यात्मिक लोक में जो भगवान जो लीला कर रहे हैं गोलोक धाम में, उसका वो आस्वादन लेते रहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें भगवान का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो जनरल डेफिनेशन क्या आता है, जीओडी गॉड। जनरल डेफिनेशन क्या आता है कि भगवान जीओडी मतलब भगवान क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रक्शन। तो यह जनरल डेफिनेशन है भगवान का। पर इससे भी ऊपर डेफिनेशन क्या है भगवान का, डेफिनेशन क्या है द वर्ड इज रसो, रसो वही सह, मतलब पूरे रस के भंडार है भगवान। तो ये सिर्फ कौन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जो भक्त जो है जो शुद्ध भक्त वही वही ये भगवान का जो मतलब को समझ सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक जो ग्रंथ है हर एक ग्रंथ का एक विषय वस्तु है। जैसे कि अगर हम भागवतम देखते हैं तो भागवतम का विषय वस्तु क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेव है। मतलब हम भागवतम ये देखते हैं कि हम सिर्फ वासुदेव के ऊपर, हम भगवान कृष्ण के ऊपर ही हम ये देखते कि वो गुणगा, वासुदेव के ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर ही हर एक टॉपिक वही पे भागवतम में हम देखते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु जी सिंधु का क्या विषय वस्तु है, वहां पे सिर्फ विषय क्या है भगवान कृष्ण। और कृष्ण कौन, जो वो कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति के रसों से भंडार है, मतलब पूरे रस के भंडार है अकेला रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण। तो यह है डेफिनेशन है। तो यह अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि यह डेफिनेशन। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन जो है कि भगवान सृष्टि करते हैं पालन पोषण करते हैं, ये सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है। पर भक्त जो है इसके ऊपर है, भक्त हमेशा वो क्या करता है कि भगवान के साथ वो आदान प्रदान करते हैं, हर एक लीला में वो भगवान के साथ उसकी आदान प्रदान होती रहती है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि भगवान जो है ये जितने भी कार्य है ये सृष्टि करना मेंटेन करना, इसके लिए भगवान ने स्वयं अपने आप को विस्तार करके ये सब कार्य कराते हैं। और इवन हम देखते हैं कि आचार्यगण ये बोलते हैं कि जब भगवान की जब लीला होती थी और जब वो असुरगण का वध करते थे तो भगवान कृष्ण स्वयं नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वासुदेव स्वरूप वो आके हर एक वो जो असुर है उसको वो संहार करते थे। उसी तरह से एक समय की बात थी जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनके पास एक व्यक्ति आता है और वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि भगवान कृष्ण, कृष्ण ही भगवान है, मैं जान चुका हूँ कि कृष्ण ही भगवान है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि आपने बिना बिना आ, आ, बिना कोई शास्त्र का अध्ययन ना करके भी आपको ये पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो बोलता है कि वो व्यक्ति कि मैं पूरे इंडिया में सब जगह हर एक मंदिर में घूम चुका हूँ और हर एक मंदिर में हर एक जगह पे मैंने ये देखा है कि कोई कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और कोई त्रिशूल लेके वध कर रहा है, पर भगवान जो कृष्ण जो ही है वो हमेशा, मतलब वो उनके हाथ में बांसुरी है और वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कर रहे, वो सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे, ही हैज नो एनी अदर वर्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही यही भगवान है, बिकॉज जो काम कर रहे हैं हाउ ही इज लॉर्ड ना। तो बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को ना कि यही भगवान है जो ऐसे त्रिभंग मूर्ति में ऐसे बांसुरी लेके खड़े हुए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये बता रहे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि ये जो ये कौन पहचान सकते हैं, जो शुद्ध भक्त है जो जिसके अंजन में, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव सदैव विलोकयंती, मतलब जिसके जिसके आंखों में अंजन लगा हुआ है वैसे जो शुद्ध भक्ति भगवान को जान सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी
अपने तात्पर्य में समझाते। फिर प्रभुपाद जी ये टॉपिक के ऊपर ये भी जाते हैं कि किस तरह से हम ये टॉपिक पहले भी हमने इसको इसके ऊपर चर्चा किया हुआ है कि किस तरह से हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो देयर आर थ्री स्टेप्स, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। ब्रह्मन जो जैसे कि जो निराकारवादी है, तो जो निराकारवादी जो भगवान का कोई स्वरूप नहीं मानते हैं, वो सिर्फ इसमें फंसे हुए हैं कि भगवान मतलब ये जो भी सृष्टि जो चल रही है, क्रिएशन हो रहा है, कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सब ये जो निराकारवादी है इसमें फंसे हुए हैं। उनको वो कभी ये नहीं सोच सकते कि भगवान का कोई स्वरूप है, वो कभी भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ ये जानते ही नोस, वो उन्हें पता है कि ये जो कुछ भी इस सृष्टि में हुआ है, somebody is there, कोई तो पीछे एक व्यक्ति है, कोई तो है, कोई तो एक पावर है। विदाउट ये कोई सामान्य चीजों से ये सब नहीं बन सकता है, तो कोई ना कोई पावर है। बट ये जो निराकारवादी जो है वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, तो ऐसे जो है ब्रह्मेति मतलब वो सिर्फ ब्रह्मन रियलाइजेशन में रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उसके ऊपर जो स्तर आता है परमात्मा स्वरूप, जिसमें जो योगी जन जो रहते हैं वो अष्टांग योग के विधि से परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और जो जो चतुर्भुज रूप है, जो चतुर्भुज रूप है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और वो रियलाइजेशन में जाते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन के ऊपर वो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर का स्तर भगवान, जो भगवान श्याम सुंदर के श्याम सुंदर के रूप में भगवान को वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। दैट इज अल्टीमेट जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो श्याम सुंदर रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, ये अल्टीमेट रियलाइजेशन है, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग मतलब हजारों बच्चे लोग एक साथ उस स्कूल में घुसते हैं, तो द एंट्रेंस इज वन, कि वो जो एंट्रेंस है उस स्कूल का वो एक ही है, उसमें हजारों बच्चे लोग अंदर जाते हैं। पर जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग का अलग स्टैंडर्ड, वो लोग अलग अलग स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो आध्यात्मिक का जो स्तर है कि आध्यात्मिक रियलाइजेशन का, ये जो तीन जो रियलाइजेशन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू वो भगवान का ध्यान करते हैं, बट द स्टैंडर्ड इज ये तीनों का जो स्टैंडर्ड है वो सब अलग है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे निराकारवादी के बारे में बताया जा रहा है, तो देयर इज वन इंसिडेंट जहाँ पे हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी बताते हैं कि जब परम पूज्य श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज जी एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक मुसलमान एक व्यक्ति आके बैठ जाता है, और वो मुसलमान जब उस समय श्रील परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी जप करते बैठे हुए थे, तो वो मुसलमान व्यक्ति पूछता है राधा गोविंद स्वामी महाराज से कि आप क्या कर रहे हो, तो राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते कि मैं नमाज अदान कर रहा हूँ। तो वो मुसलमान बोलते है, वो व्यक्ति बोलता है कि हम भी नमाज करते हैं, बट इतना देर नमाज तो करते नहीं है जितना इतना लंबा, कब से नमाज का अदा कर रहे हैं, बट इतना तो हम नहीं करते। तो बोलते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि जिसके अंदर भगवान के प्रति ज्यादा प्रेम होता है वो उतना नमाज अदान करता है। तो फिर ऐसे बहुत काफी समय उस व्यक्ति का डिस्कशन हुआ होता है परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से, तो वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान तो एक निराकार है। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर भगवान निराकार है तो आप जो भी नमाज अदा करते हैं तो भगवान सुनता है क्या? तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि यस, भगवान सुनते हैं। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि फिर वो कैसे आपको उसका ब्लेसिंग देते है? वो व्यक्ति बोलता है कि वो जो व्यक्ति बोलता है कि भगवान अपने हाथों से हमें ब्लेसिंग देते हैं, अपने वो हमें बोलते हैं कि आपको ब्लेसिंग दिया बोल के, ऐसे वो अपने हमारे जो अल्लाह है उस तरह से हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो
राधा मोहन स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर अगर भगवान को भगवान भगवान को सुनने के लिए कान है और बोलने के लिए मुंह है और ब्लेसिंग देने के लिए हाथ है, तो हाउ ही इज निराकार, वो फिर भगवान निराकार कैसे हो सकता है? तो देर इज सम स्वरूप, भगवान का कोई स्वरूप हो सकता है, विदाउट विदाउट दिस हाउ ही विल गिव द ब्लेसिंग, वो कैसे हमारे बातों को सुन सकते हैं? तो ये जो निराकारवादी जो रहते हैं वो कभी भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। तो एक यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पॉइंट ये भी उठाते हैं, फिर आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भगवान का जो धाम के बारे में आखिर में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो जो भगवान का जो धाम है वैकुंठ लोक, वहां पे वो भगवान भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करते हैं, और यही यही हाईएस्ट लेवल है मुक्ति का। जो 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 हाईएस्ट लेवल क्या है कि हमें वैकुंठ लोक में प्रवेश करना। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वर्ल्ड कप चालू है, तो सब जगह पे यही सब टॉपिक चल रहा है कि वर्ल्ड कप चालू है, वर्ल्ड कप की मैचेस हो रही है। तो हम देखते हैं कि जब ये जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, इससे पहले ये जितने भी 10 टीम जो वर्ल्ड कप में उतरी हुई है वो लोग को पहला प्रैक्टिस सेशन रखा था कि जब कि वो लोग को हर एक जो टीम है वो लोग को दो दो प्रैक्टिस मैच किया गया था, उसके बाद वो लोग ने इस वर्ल्ड कप में वो लोग का जो असली मैच है वो चालू हुआ। तो उसी तरह से ये भगवान ने जो ये जो सृष्टि बनाया हुआ है अपने हम जैसे जीवों के लिए, मेरे जैसे जीवों के लिए, कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करे और वो प्रैक्टिस करके फिर वो जो कुछ वो प्रैक्टिस करके 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 अपनी साधना भक्ति करके फिर साध्य भक्ति में जाए, फिर उसके बाद वो रागात्मिका भक्ति में जाके जब वो गोलोकधाम जाएंगे, क्योंकि ले जैसे कि हम देखते हैं कि ना कोई भी अगर टीम में अगर हमको सिलेक्शन होना है तो वो सिलेक्शन किस बेस पे होता है कि उसने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, वो कितना प्रैक्टिस में उसका फिटनेस वगैरह, उसकी प्रैक्टिस की क्या है, वो कैसे प्रैक्टिस किया, तो उसके ऊपर ही उसका सिलेक्शन होता है। तो उसी तरह से भगवान ने ये जो संसार बनाया हुआ है जहाँ पे हमको प्रैक्टिस करना है, और हम ये यहीं पे हम ये जो भी हमारी साधना भक्ति हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर हम जब गोलोकधाम में जाते हैं, तो गोलोकधाम में जब हम जाएंगे तो वहां पे भी हमें यही कार्य करना है जो यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस किया हुआ है। पर हम जब प्रैक्टिस करके एकदम सही ढंग से हम जब जाते हैं गोलोकधाम, तो वहां पे भगवान से हम भगवान के साथ हम सही सही वहां पे हम लोग भगवान के साथ वो लीलाओं में हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें कि अगर हमें कोई कंट्री में विदेशी कंट्री में जाना है, अगर हमको वीजा अप्लाई करना है, तो वो वीजा जब अप्लाई करने के समय वो हमें हमारा टेस्ट लेते हैं कि टेस्ट में वो देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो हमारा कैसा है, हमें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि नहीं पता है, वहाँ का क्या क्या मतलब कैसे लोग चलते हैं। जब हम उसमें पास होते हैं तब जाके हमें वो वीजा हमें उस कंट्री का वीजा मिलता है। तो उसी तरह से भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया हुआ है जहाँ पे हमें कि हमें जहाँ पे भक्तों के माध्यम से इस शास्त्र के माध्यम से और आचार्य गण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से हमें यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि हम वो भगवत धाम जब हम जाते हैं तो वहां पे हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सके और अच्छी तरह से हम भगवान के साथ हमारी जो लीला है उसको हम आदान प्रदान कर सके। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे आज के जो श्लोक है उसमें जो समझाते हैं कि जो भक्तगण है वो ये जो भगवान के जो कार्य है क्रिएशन करना, डिस्ट्रक्शन करना, इसमें फंसे हुए नहीं रहते। उनका जो असली मोटो जो क्या है कि वो भगवान की लीलाओं में वो लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं वो। तो वही प्रभुपाद जी आज के श्लोक में समझा रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं जो कुछ सुना हूँ भक्तों के मुखारविंद से, स्पेशली इस ग्रेस अमोघ लीला का प्रभु जी ने बहुत अच्छे सारा 1 आवर्स का इसके ऊपर क्लास लिया हुआ था, जिसमें भगवान के महात्मा के ऊपर प्रभुपाद जी इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे। तो इस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, और सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।